अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ईद के एक स्पेशल मौके पर मैं आपके साथ एक स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। सो मटन की एक भुने गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही आसान है। सो मैंने कुर्बानी का गोश्त, जैसे कि हर घर में ही आता है, बनता है और होता है, तो मैंने 2 से 3 किलो जो है गोश्त ले लिया है बकरे का, और साथ ही साथ मैंने 4 से 5 मैंने प्याज ले लिए हैं, और साथ ही टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट। सो मैंने खुले बर्तन में क्या किया है कि सारा मसाला जो है ना इकट्ठा उसमें शामिल कर लिया है, प्याज भी, टमाटर भी, लहसुन अदरक भी, और तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ 2 गिलास पानी शामिल किया है 3 से 4 किलो गोश्त में। और मसाले में नमक, हल्दी, लाल मिर्च, खुश्क धनिया और साबित सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसके अंदर शामिल किया है। ये सिर्फ यही बेसिक मसाले इसमें ऐड करूँगी और यकीन माने बहुत ही लजीज बनता है। और इसको तब तक पकाएँगे जब तक ये फुली टेंडर्ड नहीं हो जाता, यानी मुकम्मल गल नहीं जाता। सो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मसाला उसमें गल चुका है, पक चुका है, थोड़ा सा पानी ऑलमोस्ट रह गया था खुश करके पानी, उसके बाद मैंने उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। आप चाहें तो देसी घी या आम डालडा घी भी शामिल कर सकते हैं। और इसको शामिल करने के बाद अच्छी सी इसकी भुनाई करें, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट के बाद ये फुली गल भी चुका है। मसाला देख सकते हैं, ग्रेवी बड़ी बेहतरीन बन चुकी है। इसमें मैंने एडिशनल कोई पानी नहीं डाला और ये फौरन गल गया था क्योंकि कुर्बानी का गोश्त है। इसको बग़ैर प्रेशर कुकर के मैंने बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो गई। आपको कैसी लगी काइंडली कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। और इस ज़बरदस्ती रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और साथ इसको नान और रोटी के साथ सर्व करें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।